नागपुर में आज विजयदशमी के अवसर पर संघ मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हथियारों की पूजा की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इशारों इशारों में मोदी सरकार की तारीफ की। भागवत ने कहा कि हमारे शासन ने पाकिस्तान को अच्छा जवाब दिया। शासन के नेतृत्व में हमारी सेना ने साहस दिखाया। कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं। भागवत ने कहा कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान समेत सारा कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही इस दौरान भागवत ने गौरक्षकों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों और कानून का पालन करने वाले गौरक्षकों के बीच अंतर को समझा जाना चाहिए। पवित्र मानी जाने वाली गाय की रक्षा कानून के दायरे में ही की जानी चाहिए और वे गौरक्षक जो ऐसा करते हैं एक महत्वपूर्ण समाज सेवा कर रहे हैं। प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व हैं और कभी गौरक्षक नहीं हो सकते। उनके जरिए बेवकूफ ना बने। उन लोगों तथा गौरक्षकों में फर्क होता है, उन्हें एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो आज के खास अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को शाबाशी दी, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। देखते रहिए डीबी लाइव।